अवर में शराब के ठेकों को बंद कराने सड़कों पर उतरी गुलाबी गैंग को बुधवार को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। अंडे वाली गली में शराब ठेका संचालक ने महिलाओं को गुलाबी गैंग के खिलाफ उतार दिया। इस दौरान महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और गुलाबी गैंग को मारपीट कर रवाना कर दिया। अलवर में गृहस्थी बचाने के लिए महिलाओं के दो गुट आमने सामने हो गए। शराब के ठेकों को बंद कराने चूहला चौका छोड़ सड़कों पर डटी गुलाबी गैंग को महिलाओं के ही विरोध का सामना करना पड़ा। दुकानों के संचालन का समर्थन करने वाली महिलाओं का कहना है, इनसे उनका घर चलता है और वो किसी भी कीमत पर दुकानें बंद नहीं होने देंगी। हम बर्तन वाले की दुकान पे बैठे थे, जैसे रोज डेली शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, ऐसे ही हमारे को कोई भरोसा नहीं था तो भाई इनकी लेडीज आ जाएगी, तो 50 बीरवानी सरिये लेकर आई और हमारे पर आते साथ उन्हें हमला कर दिया। मौके पर ये हालात बन गए कि ठेके के संचालन में समर्थन करने वाली महिलाओं ने गुलाबी गैंग की महिलाओं से जमकर मारपीट की। आज जनी है सात, उनमें से आके वो महिला आई कोई 50 से भी ऊपर होंगी सर, बहुत ज्यादा, और सारे उनके ठेकेदार है जेंट्स, और वो बताते जा रहे हैं कि ये अरुण ने आते ही कुछ भी ना आप देखा ना ताब, वो तो दमा दम मारने लगी। अलवर में अब शराबबंदी के लिए आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ महिलाएं शराब के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई हैं, तो वहीं अब समर्थन में भी महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि शराब पर मचे बवाल को प्रशासन कैसे खत्म करता है। जुगल किशोर, जी मीडिया, अलवर। गुलाबी गैंग शराब का विरोध कर रहा है, तो महिलाएं जो है वो गुलाबी गैंग के विरोध में खड़ी हो गई हैं। शराब का पक्ष सरकार के एक मंत्री ने भी लिया है। प्रदेश में लगातार उठ रही शराबबंदी की मांग के बीच उद्योग मंत्री खुलकर शराब पीने के समर्थन में आ गए। कीफसर ने कहा है कि शराब पीना मूल अधिकारों में शामिल है, जिन राज्यों में शराबबंदी की गई है वहां हालात अच्छे नहीं हैं। इधर कांग्रेस ने मंत्री के बयान की निंदा की है। सिगरेट पीना, फिर ये तो सिगरेट बैन कर दो सबकी, ठीक है ना, और कह दो कि भाई खाने के अंदर नॉन वेजिटेरियन को भी रोक दो। यार ये तो सबकी फंडामेंटल राइट होती है ना, वो कोई क्राइम कमिट करे या कोई हॉस्पिटल के पास हो या कोई स्कूल के पास हो या हाईवे के ऊपर हो, ये हाईवे वाला जो था पहले शराब कहाँ मिलती थी, हाईवे के ऊपर ही मिलती थी, क्योंकि हाईवे पर उसका जो बीडिंग हायर होती है वो सबसे हानिकारक थी। हमारा मौलिक अधिकार है, इन सब पर भारी पड़ता है, और यही चीज़ जो है युवा जो आत्मसात करेंगे जिनको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को लेने की लत पड़ी हुई है। तो मंत्री का यह बयान सरकार के बयान के तौर पर देखा जाएगा और अंतोगत्वा इससे युवा पीढ़ी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। और मंत्री का यह बयान इस बात को भी बताता है कि मंत्री खुद इसके प्रति सद्भावना रखते हैं कि शराब के सेवन को बढ़ाया जाए।